हेलो दोस्तों, आज मैं सर्दियों में बनने वाले स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तो चलिए रेसिपी को बनाते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालूँगी। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसे मैं कढ़ाई में डालूँगी और इसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब दूध उबल जाएगा तो धीमी आँच पे करके इसे मैं छोड़ दूँगी। दूध हमारा उबल रहा है। इधर मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गाजर लिया है। इसे के नीचे भाग को और ऊपर के भाग को हम काट लेंगे। तो गाजर जब भी ले आप, जो ज़्यादा लाल कलर के हो गाजर वही लीजिए, उससे गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसे मैं चाकू से ही पील कर रही हूँ। आप चाहे तो पीलर से भी पील कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं नीचे और ऊपर के भाग को कट करके चाकू से ही हल्का सा पील कर रही हूँ। ज़्यादा पील नहीं किया मैंने, बिल्कुल हल्का सा पील कर लिया। इसी तरह से हम सारे गाजर को पील कर लेंगे। ये देखिए, सारे गाजर को मैंने पील कर लिया और इसे अच्छे से मैंने पानी से धुल लिया है। अब इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट करूंगी। तो ग्रेटर को मैंने साफ़ कर लिया है यहाँ पे। तो इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट करूंगी। ये देखिए, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है मैंने गाजर को। तो सारे गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए, दूध हमारा उबल चुका है और धीमी आंच पे मैंने छोड़ा हुआ था, तो दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है इधर। और इधर मैं दूसरी तरफ एक दूसरी कढ़ाई रखूंगी, गैस पे चढ़ाऊंगी। तो कढ़ाई का पानी हम पोंछ लेंगे। अब जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी, इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी गर्म जैसे ही होगा, इसमें मैं जावित्री का टुकड़ा डालूंगी। जावित्री का टुकड़े से आपके गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं जो गाजर को ग्रेट किया था वो मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे मैं घी में भूनूंगी। गाजर को अच्छे से भूनना है। तो गाजर को यहाँ पे 60 से 70% पका लेना है, तभी दूध में डालना है। नहीं तो दूध, अगर आप कच्चा गाजर दूध में डालते तो दूध आपका फट जाता, इसलिए गाजर को पहले घी में अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद ही हम इसे दूध में डाल के पकाएंगे। तो गाजर को मैं यहाँ पे अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, गाजर हल्का हल्का भून रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। तब तक गाजर हमारा भून रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। तो इधर मैंने 10 से 12 बादाम लिया है और 8 से 10 काजू का टुकड़ा लिया है। तो बादाम को मैं 4 टुकड़ों में से लंबा लंबा कट कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे लंबे टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से काजू को भी हम लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। ये ऐसे लंबा टुकड़ों में ऐसे मैं काट लूँगी। इधर मैंने 4 छोटी इलायची भी ली है, जिसे हम गाजर के हलवे में बाद में डालेंगे। ये देखिए, लंबा लंबा मैंने काजू के टुकड़ों को भी ऐसे काट लिया है। ये देखिए,
तो इसी तरह सारे काजू के टुकड़ों को हम काट लेंगे। इधर हम देख लेते हैं गाजर हमारा कितना भुना, ये देखिए गाजर हमारा धीरे धीरे भुन रहा है और पक भी रहा है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम 3 मिनट के लिए और धीमी आंच पे छोड़ देंगे। तो 3 मिनट बाद देखेंगे कि गाजर हमारा अच्छे से भून चुका है और आधा पक भी चुका है, ये देखिए। तो गाजर अब हमारा पक चुका है, हो चुका है, भून चुका है अच्छे से। अब इसे हम दूध में डालेंगे। तो दूध हमारा धीरे धीरे कढ़ रहा था, उबल रहा था, तो इसमें अब हम गाजर को डालेंगे और अच्छे से इसे अब हम पकाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप गाजर का हलवा बनाइए, दूध में अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो कच्चे दूध में कच्चा गाजर कभी ना डाल के पकाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दूध आपका बिल्कुल ही फट जाएगा और आपका हलवा भी अच्छा नहीं बनेगा। तो दूध को पहले आप उबाल लें, थोड़ा उसे गाढ़ा होने दें, उसके बाद गाजर को अलग से भूनें और थोड़ा आधा पका लें, फिर दूध में डालें। इससे आपका गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और दूध फटेगा भी नहीं। ये देखिए दूध में हम गाजर को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए दूध भी हमारा आधा पक कम हो चुका है, सूख रहा है, तो दूध को बिल्कुल ही सुखाना है। तो ऐसा आप लो टू मीडियम आंच पे ही कीजिएगा, वरना तेज आंच पे अगर आप ऐसे करेंगे तो गाजर आपका नीचे से जल जाएगा और अच्छे से हलवा बनेगा भी नहीं। तो लो टू मीडियम पे ही इसे आप पकाइए और नीचे से ऊपर तक बिल्कुल अच्छे से चलाते रहिए बीच बीच में। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो किसी मोटे तले के बर्तन में ही बनाएं, जिससे आपका गाजर नीचे से जलेगा नहीं। मोटे तले का रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं जलेगा और अच्छे से आपका गाजर का हलवा बनेगा। ये देखिए अच्छे से गाजर हमारा दूध में पक रहा है, दूध भी हमारा कम होता हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल ही दूध गाढ़ा हो चुका है, अब कम हो चुका है। इसे अभी हम थोड़ा और सुखाएंगे दूध को। तो इसे लगातार चलाते रहना है बीच बीच में दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से दूध और गाजर पक रहा है। तो दोस्तों सर्दियों में तो जैसी ही सर्दियां आती है, लोग गाजर के हलवे खाने का मन बन करता है सभी को ही। तो सर्दी स्पेशल मैंने यहाँ पे गाजर का हलवे की रेसिपी बनाई है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी डाले हैं। चीनी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा कोई पसंद नहीं करता हमारे घर में। तो मैं थोड़ा ही मीठा बनाई हूँ, तो चीनी मैंने कम डाला। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो चीनी डाल के फिर हम इसे पकाएंगे, इसका पानी बिल्कुल सुखा लेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच और देसी घी डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बीच बीच में देसी घी डालते जाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाजर के हलवे में और गाजर हमारा अच्छे से पकेगा भी। तो ये प्रोसेस बिल्कुल लास्ट में करना है चीनी डालने के बाद। यहाँ पे मैं छोटी इलायची, 4 छोटी इलायची को हल्का सा मैंने पीस लिया है और इसे मैंने डाल दिया है गाजर के हलवे में डाल के। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाजर का हलवा लगभग हमारा बन चुका है। थोड़ा सा इसे हम और सुखाएंगे, धीमी आंच पे बिल्कुल छोड़ दिया है। इधर मैं जिस कढ़ाई में मैंने गाजर को भूना था उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, आधा चम्मच देसी घी। इसमें ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तुरंत जलने लगते हैं, काजू तो तुरंत ही जलने लगता है, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे करना है। इसमें मैंने काजू बादाम डाल दिया है, इसे मैं चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ।
अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। गैस बंद करके मैं इसमें थोड़ा सा खरबूजे का बिया डाला और इसे भी मैं इसी गरम कढ़ाई में ही हल्का सा भून लूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स को किसी भी हलवे में भून कर डालने से इसका टेस्ट ही अलग आता है दोस्तों। तो आप भी जब भी कोई भी हलवा बनाइए, ड्राई फ्रूट्स को भून कर ही डालिए देसी घी में, से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हलवे में। ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल बन चुका है, दूध हमारा बिल्कुल सूख गया है, चीनी भी अच्छे से पक गई। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे थोड़ी देर और पका रही हूँ मैं। तो चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए गाजर का हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। यकीन मानिए इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिए। गाजर का हलवा बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी इसमें लगा नहीं, सिर्फ दूध से मैंने ये गाजर का हलवा बनाया। कोई भी खोवा या मिल्क पाउडर की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ दूध से भी आप गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो इस पे मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल टेस्टी यम्मी गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। देखिए दिखने में भी कितना यम्मी लग रहा है दोस्तों। तो मैं तो अब इसे ट्राई करूँगी। तो आप लोग वीडियो देखिए मेरा, वीडियो को का अपने दोस्तों में हर जगह शेयर कीजिए। तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों बहुत ही यम्मी गाजर का हलवा बना है, तो मैं तो अभी से ट्राई करने जा रही हूँ। आप भी खाइए, बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप ये गाजर का हलवे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।